बैक टू माई चैनल। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपने टाइटल से ऑलरेडी देख रखा है कि ये गेट रेडी विद मी फॉर डांडिया नाइट वीडियो है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा है और जगह जगह पे डांडिया नाइट इवेंट्स होते हैं, और मुझे भी आज ऐसे ही एक इवेंट में जाना है। तो मैंने वहाँ के लिए कुछ ऐसा गेटअप रखा है, कुछ ऐसा मेकअप रखा है, ऐसी एक्सेसरीज रखी हैं, तो सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज कर लूंगी, और मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये। और अच्छे से आपको आपके चेहरे को मॉइस्चराइज कर लेना है। तो अच्छे से मैंने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, और सेकंड मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये प्राइमर, और प्राइमर भी आपको अच्छे से लगा लेना है। प्राइम कर लिया है फेस को, और मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन। नेक्स्ट फाउंडेशन में मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। तो मैंने जो प्राइमर लगाया है वो आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपके फेस को हल्का सा ऑयली लुक देता है। तो आप अगर ऑयली स्किन के हैं तो इसे अवॉइड करें। फिर हम अच्छे से फाउंडेशन लगा के उसे ब्लेंड कर लेंगे। मैंने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, और मैंने फाउंडेशन को लाइट ही रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम डांडिया खेलेंगे तो स्वेटिंग होगी, तो वो अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्म प्रोडक्ट लगा लेंगे। तो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की एज रिवाइन कंसीलर, और मैं थोड़ा सा इसको अपने आईलेट पे भी लगा लूंगी, जहां जहां भी आपको ऐसा फील हो कि आपको एक्स्ट्रा कवरेज की जरूरत है, वहां वहां पे आप कंसीलर लगा के अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें। तो कंसीलर मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और नेक्स्ट मैं सेट कर रही हूँ अपना फेस फिट मी मेबलिन के फिट मी लूज पाउडर से। मैं जहाँ पे भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया है मैं सभी जगह पे पाउडर से सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फेस अच्छी तरीके से सेट हो गया है, और नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे आई लुक। आई के लिए सबसे पहले मैं नायका की ये पैलेट यूज करके, क्योंकि मेरा ड्रेस पिंक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन में है, तो मैं ये जो पिंक शेड है वो लूंगी और उसे आउटर विंग्स पे प्लेस करते हुए क्रीज में इसको स्प्रेड आउट कर लूंगी। ऐसे ही मैं दूसरे आईज पे भी कर लूंगी। और नेक्स्ट पैलेट मैं यूज कर रही हूँ रिवोल्यूशन की, और उसमें से मैं ये जो येलो शेड है वो ले रही हूँ, और उसको इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूंगी। और नेक्स्ट मैं इसी में से ये जो शेड है गोल्डन ग्लिटर वाली शेड वो लूंगी, और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी उसको इनर कॉर्नर में, ये जहां पे मैंने येलो कलर लगाया उसी के ऊपर ये ग्लिटर लगा लूंगी। ओके, तो आई शेडो के लिए मैं इतना ही रखूंगी, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। हूँ कॉलेक्शन की वो यूज करूंगी।
मस्कारा यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी लैशेस, तो मैं इसे ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने लैशेस भी अप्लाई कर लिया है और नेक्स्ट हम करेंगे अपने आईब्रो को फिल। और आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी की ये आईब्रो पैलेट, और इससे मैं ये जो ब्लैक शेड है, ग्रे शेड में है, वो शेड लेके मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी। मैंने आईब्रो सेट कर लिया है और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर की ये पैलेट, कॉन्टोर डी फोर्स पैलेट, और इसमें से मैं ब्लश का शेड लेके अप्लाई कर लूंगी। ये तो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है और इसी में से मैं ये ब्रॉन्जर शेड लेके हल्का हल्का सा कॉन्टोर कर लूंगी बोन के पास, साइड्स ऑफ द नोज, जॉ लाइन के पास। ओके, तो यहाँ पे हमारा ब्लश और कॉन्टोर भी हो गया है और नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। तो के लिए मैं यूज कर रही हूँ मास्टर क्रोम बाय मेबेलिन और मैं लगा लूंगी ब्रिज ऑफ द नोज। चेक बोन के पास, क्यूपिड बो और अपने आईब्रोज के पास। तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर भी लगा लिया है और यहाँ पे हमारा मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है। और मैं मेकअप को सेट करने के लिए फेसेस कैनेडा की ये सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ और मेकअप को सेट कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारा मेकअप सेट हो गया है और लास्ट मैं यूज कर रही हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर की प्लम यम, जो मिनी लिपस्टिक होती है वो, और मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ एक बिंदी, ब्लैक बिंदी। हेयर स्टाइल में मैंने ऑलरेडी ये सिंपल सा जूरा कर रखा है और लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं इयररिंग का सेट जो है टीका टीका लगाऊंगी। तो मेकअप लुक तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट मैं ये पहन रही हूँ चूड़ियाँ, और क्योंकि ये लहंगा जो मैं पहना है, जो मैंने पहना है वो ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे मैंने सारी एक्सेसरीज पहन ली है और अब बारी है आउटफिट की।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो और ये लुक पसंद आई हो. कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये पूरा लुक कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.